हेलो ऑल, वेलकम टू आवर रिव्यू। सो आज हम रिव्यू करेंगे पल्सर N160 का। ये बाइक मतलब 160 सेगमेंट में अभी मतलब बहुत अच्छा कर रही है। इससे पहले जिक्सर थी और हॉर्नेट 160 थी, अपाचे थी। तो फिलहाल जो कंपटीशन है इसका वो N160 पल्सर होगी और साथ में है अपनी अपाचे। बहुत टाइम बाद पल्सर जो है बजाज ने रेनोवेट की है और बहुत ही अच्छा लुक जो है अभी इस बाइक का निकल के सामने आ रहा है। एक जो नेकेड स्ट्रीट फाइटर लुक होती है वो इसकी विजिबल है और बहुत ही अच्छी लुक निकल के आ रही है। आप हेडलैम्प से देखेंगे, स्टार्ट करेंगे और टेल लाइट तक सब कुछ अल्टीमेट है। टायर छोड़े हैं इसके, मतलब ओवरऑल जो परसोना है बाइक का वो एक टॉप नॉच कैटेगरी में बाइक अप्लाई करती है। पुराने वाली पल्सर जो थी वो लुक काफ़ी ओल्ड हो गया था 2001 से, मतलब वो सेम फ्यूल टैंक और बाकी डिजाइन लैंग्वेज चल रही है, सिर्फ हेड लैम्प्स था, वो भी 125 में आ गई। लेकिन 160 में इट इज़ द बेस्ट लुकिंग। 150 है वो इसकी, इसी का ही मतलब थोड़ा लोअर ट्रिम बोल दो इसको, इतना फर्क नहीं है, बट इसकी जो लुक है वो परफेक्ट स्पॉट ऑन है। पल्सर N160 को जो है 200 का ही मतलब कि इंजन वाइज एयर कूल्ड ऑयल कूल्ड इसमें आया है, बाकी 250 जो पल्सर है वो सेम बाइक की वाली है। उसमें एलईडी इंडिकेटर्स आते हैं, बट इसमें एलईडी की जगह वो वाले नॉर्मल हैलोजन इंडिकेटर्स हैं, बट आप चेंज करवा सकते हैं उनको। मीटर सेम है, सब कुछ सेम ही है। डिज़ाइन लैंग्वेज इस बाइक की मुझे लगता है कि थोड़ा फ्यूल टैंक, थोड़ा हॉर्नेट 160 आ रहा है जो था, तो वैसा सेम लग रहा है इसमें। हेडलाइट्स आप बोल सकते हैं MT15 की कॉपी कर रखी हैं और मे बी लगता भी है। टेल लाइट वही पल्सर वाली हैं। ब्लिंकर्स जो बोला आप चेंज कर सकते हैं उनको, पीछे जो टायर हगर है और पीछे टेल लाइट भी काफ़ी स्मॉल है और काफ़ी अच्छी नीट लग रही है। जो साइड के फुट पैग्स हैं वो भी बहुत ही अच्छे इंटीग्रेटेड हैं। एग्जॉस्ट काफ़ी छोटा दे रखा है, मुझे थोड़ा लगता है कि थोड़ा देना चाहिए था, मतलब थोड़ा स्टबी एग्जॉस्ट, शॉर्ट एग्जॉस्ट जैसे कि 250 में है, थोड़ा वैसा देना चाहिए था। ये थोड़ा सा यहाँ वैकेंट सा लगता है। इसमें डुअल चैनल ABS आता है। इंजन काफ़ी अच्छा है इसका, मिरर्स भी बहुत अच्छे हैं। टायर्स काफ़ी छोटे, 130 mm पीछे वाला टायर है और ये रेडियल नहीं है, मुझे मेरे अकॉर्डिंग ये रेडियल नहीं है, नॉर्मल है। क्रेमी का कोई कंपनी है, उसी की अभी जो सोर्स कर रही है ये डिस्क प्लेट्स, डिस्क ब्रेक्स। आपको फ्यूल टैंक पर एक USB-A टाइप का चार्जिंग पोर्ट भी दिया हुआ है। फेंडर मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है इसका, मतलब छोटा सा है, नीट अलग से डिज़ाइन कर रहा है। मेन स्टैंड इसमें आता है, साइड स्टैंड कट ऑफ और जो सीट्स हैं उन पर पल्सर मार्किंग प्रोवाइड कर रखी है। फ्यूल टैंक पे आपको 3D लोगो मिलेगा पल्सर का और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो भी काफ़ी नीट है। एनालॉग डिजिटल कॉम्बिनेशन है और जो हैंडल बार है वो भी काफ़ी अच्छा है, थोड़ा क्लोज टू राइडर शॉर्ट हैंडल बार है। और नेकेड स्ट्रीट फाइटर लुक जो है इसकी काफ़ी अच्छी आ रही है। थोड़ा इसकी पावर फिगर की भी बात कर लेते हैं, तो पावर फिगर जो है वो कुछ इस तरीके से कि इसके जो इंजन है वो 4-स्ट्रोक है, SOHC है, 2 वॉल्व है इसके अंदर और ऑयल कूल्ड ट्विन स्पार्क फ्यूल इंजेक्शन के साथ आता है। डिस्प्लेसमेंट जो है इसकी 160 को बोलते हैं, लेकिन 164.82 cc है और सेल्फ स्टार्ट ओनली है। टॉप स्पीड अराउंड 120 है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी 14 लीटर है। माइलेज अराउंड 40 आपको मिल जाएगी। फ्रंट टायर जो है वो 100/80/17 और रियर टायर 130/70/17 inches। ट्यूबलेस टायर्स इसमें आते हैं, ड्यूल चैनल ABS है। टेलीस्कोपिक फोक्स फ्रंट में है और मोनोशॉक मल्टी स्टेप एडजस्टेबल पीछे सस्पेंशन दिया हुआ है। सीट हाइट 795 mm, ग्राउंड क्लियरेंस 165 है और कर्व वेट 154 है। कलर्स इसमें जो अभी मल्टीपल कलर्स अवेलेबल है, लेकिन जो फेवरेट है अभी जो अच्छा लगता है इसमें वो ब्रुकलिन ब्लैक है। बात करें कॉम्पिटिशन की तो ये हेड टू हेड जाती है उसमें जो कि TVS की अपाचे है, बट उससे काफ़ी अच्छी ये बाइक सामने निकल के आती है इन टर्म्स ऑफ लुक की। उसकी लुक ओल्ड हो चुकी है और जो न्यू है वो भी थोड़ा ठीक है, लेकिन दिस लुक्स अ लॉट मोर फ्रेश डिजाइन करेंटली। सो इंजन काफ़ी रिफाइंड है इसका, लेटी से इंजन काफ़ी अच्छा है और हेड लाइट विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है। रियल वर्ल्ड प्रैक्टिकलिटी इसके अंदर है। सीट काफ़ी अच्छी है इसकी, थोड़ा मुझे लेट डाउन क्या लगता है इसके अंदर की एक तो जो इंडिकेटर्स हैं वो LED होने चाहिए थे और जो फ्रंट फोक्स हैं जैसे कि करंटली जो अभी NS200 और 160 अपडेट की हैं तो उनके कंपेरिजन में सेम इसमें भी अपडेट करना चाहिए और इसमें भी जो है अपसाइड डाउन फोक्स हमें देनी चाहिए कंपनी को। बाकी मुझे इस बाइक में कुछ लेट डाउन नहीं लगता, ये परफेक्ट भी। इसकी कॉम्पिटिशन जैसे वो बाइक्स हैं हीरो, जो हीरो एक्सट्रीम 160 आती है वो है, बट उसका इंजन में भी अच्छा हो सकता है, बट ओवरऑल देखें तो ये बाइक जो है हिट हिट निकल के आती है, सुपर हिट बाइक निकल के आती है। मुझे पर्सनली मैं होंडा हॉर्नेट यूज़ करता हूँ 160R, तो वो स्टार्टिंग वाला मॉडल है, मुझे सेम वैसी ही लुक लगती है इसकी। मोर मतलब
मोर और लेस सेम डिजाइन लैंग्वेज पे बनी हुई लगती है। पीछे टेल लाइट सेक्शन जो है ये लगता है इसका, काफी ब्यूटीफुल बाइक है, कॉम्पैक्ट सी है। आई थिंक दैट्स इट फॉर नाउ। दिस बाइक इज रियली अ ग्रेट स्टेलर इन ऑल पर्सपेक्टिव। सो आपको कैसा लगा ये रिव्यू मुझे बताना, क्योंकि मेरा फर्स्ट रिव्यू है। मे बी आने वाले जो बाइक्स हैं उनकी मैं आपको अपडेट दूंगा। और मोर इंटरेस्टिंग न्यूज़ के लिए और अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।